रॉयल प्रेस क्लब नव वर्ष और मकर संक्रांति समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रॉयल प्रेस क्लब के तत्वाधान में भोपाल राजधानी स्थित नाइन मसाला रेस्टोरेंट में नव वर्ष मिलन समारोह साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार पत्रकारों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार और न्यूज चैनलों के संपादक, रिपोर्टर, कैमरामैन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जहां अतिथि के रूप में स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, विशेष कमिश्नर रेलवे प्रशांत यादव, औद्योगिक सचिव ललित दायमा, बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने अपनी प्रस्तुति दी, जहाँ सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। संगीत में माहौल के बीच भोजन के साथ तिल्ली के लड्डू और परंपरागत खिचड़ी का लुफ्त उठाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को श्रीराम के छायाचित्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस भागदौड़ भरे व्यस्त जीवन में समय के अभाव के कारण मीडिया मित्र और मीडिया से जुड़े अधिकारी, नेतागण, मित्रों से मेलजोल, स्नेह, प्यार के लिए हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम रॉयल प्रेस क्लब द्वारा किए जाते हैं। रॉयल प्रेस क्लब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए उपस्थित हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता है। रॉयल प्रेस क्लब की ओर से आज सभी का जो मिलन समारोह रखा है, मैं समस्त यहाँ पर उपस्थित जो पत्रकार बंधु हैं, उनके परिवारजन हैं और जो अन्य लोग उपस्थित हुए हैं, अपनी ओर से उन्हें लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और इस नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही उत्साह से भर देने वाले ये क्षण हैं और जब जब मौका मिलता है सबसे मिलने का मन प्रफुल्लित हो जाता है। पुनः मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष जो है आप लोग के जीवन में सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली लेकर आए। पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है और समाज को आईना दिखाने के साथ साथ में सजग, जागरूक करने का काम करते हैं। कई बार कई प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं पत्रकारों के साथ में भी, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, अति संवेदनशील है इन विषयों को लेकर। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई कदम इस पर उठाए थे। मेरा मानना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी भी इसको आगे लेके जाएंगे, इन कानूनों को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। आप पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा कवच देंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीजें आप लोग के कानून में उपस्थित होनी चाहिए उसको लेके विशेष ध्यान रखा जाएगा। आह्लादित हुआ, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब आप तनाव से मुक्त होकर अपनों के बीच पहुंचते हैं। जब अपने को बीच पहुंचते हैं तो वो जो एहसास होता है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई में दिल को जो खुशी मिलती है ऐसे अवसरों पर, वो उनको शब्दों में नहीं बोला जा सकता और उनके सिर्फ अनुभव किया जा सकता। वो अनुभव आज हुआ, बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर हम सभी इस मांग के आकांक्षी हैं कि मध्य प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी भोपाल में पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे पास प्रेस क्लब का अपना खुद का कोई भवन नहीं है जहां पर हम लोग मिल बैठकर कोई अपनी चर्चा कर सके। सड़कों पर हम चर्चाएं करते हैं, तो सरकार से भी ये मांग है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जाहिर तौर पर जो पत्रकार दिन रात एक करते हैं, 24/7 काम करते हैं, उनके लिए कुछ और अच्छे कदमों की आवश्यकता है। सरकार को पत्रकार फ्रेंडली होना चाहिए।